अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। नमस्कार, News 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए पिछले एक महीने से घूम रहे हैं, तो वहीं सोनिया गांधी इस कश्मकश में है कि आखिर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। लगातार चल रही सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो आखिर राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। इस मामले पर लोगों का ये भी मानना है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने के बाद सचिन पायलट सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने भी इस पर जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राहुल गांधी को मनाने की आखिरी कोशिश करेंगे। अगर राहुल नहीं माने तो गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों ने ये भी बताया कि गहलोत ने ये भी शर्त रखी है कि उनके अध्यक्ष बनने पर सचिन पायलट को सीएम ना बनाया जाए, बल्कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन अशोक गहलोत ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो राहुल गांधी को इसके लिए मनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक गहलोत के अलावा सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता सुशील कुमार शिंदे को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं, जबकि राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे के समर्थन में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कई संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इसी के चलते उन्होंने एक दिन पहले दिल्ली में जनपथ पर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। शशि थरूर से मुलाकात कर सोनिया गांधी ने कहा था कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सोनिया गांधी से जनपद पर मुलाकात की थी। वो भारत जोड़ो यात्रा से सीधे दिल्ली पहुंचे थे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर चुनाव 17 अक्टूबर को होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनता है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 44। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।